अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफी एश मेल में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, हम आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल गुरीलबाग में है। आज यहाँ पर साई मुस्तफ़ा प्रोग्राम है जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। आए नाज़रीन से बात करते हैं। أدراك ما الطارق النجم الثاقب हमारे जो यंग लीडर इस वक्त साईं मुस्तफा साहब, ये कल पेंचू का सियासत का लीडर नहीं है, ये एक आम लोगों का लीडर है और खासतौर गरीबों का, मजदूर तबकों का। तो जब मेरा यहाँ से उनको जवाब होता है कि आप क्यों पूछते हैं सिर्फ गुरीलबाग इलाके के बारे में, तो कहते हैं कि हमें इन पठानों को देखने का बड़ा शौक है। तो ये वो इलाका है जहां मैं आज हूं, जहां पे मुझे बोलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक जिंदा दिल कौम है, एक गैरतमंद कौम है, जिन्होंने हमेशा दुनिया में हालात जैसे भी रहे हों, जिन्होंने हमेशा इस चीज का सबूत दिया है कि हम अपने ईमान पे खड़े हैं और हम यहाँ पे जो तवक्कल नाम की चीज है उस पे हमेशा खड़े हैं। उसका सबूत अफगानिस्तान सबसे बड़ी मिसाल। खाली 20 साल में एक नेटो फोर्स जिसमें 17 ममालिक, उनको बाहर करना और नंगे पांव वहां पे गर्मी में नंगे पांव भूखे रह के अपने हक की लड़ाई लड़ना, ये सिर्फ एक गैरतमंद कौम ही लड़ सकती है। यहां सबको पता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना भी पता हो, मेरे जो परदादा है जिनके बाहर फोटो भी लगी हुई है, उनको शेरे गांधरबल कहते थे। वो पहले मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के रहे हैं, गवर्नर लद्दाख भी रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सियासत की है कि जहां पे भी मैं आज जाता हूं, जहां पे भी आज बुजुर्गों से मुलाकात होती है, वाकफियत होती है, तो इज्जत से ही पेश आते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि गैर सियासी जो है वो सिर्फ एक जानवर होता है। सियासी हालात रहे हैं, वजह यही रही है कि जो भी कहता है कि नहीं जी ये गंदा कारखाना है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सियासत का हाल यहाँ पे क्या है? ये हमारे जो प्रोग्राम्स अभी हैं, ये हमारे ब्लॉक वाइज प्रोग्राम्स होते रहे हैं और ये हमने जो इलाकों में स्टार्ट किया है इस टाइम पे, जो इलाकों में हम लोग जाते हैं हर किसी जगह, क्योंकि आवाम हमेशा मुझसे एक शिकायत करती रहती थी कि मैं घर से बाहर नहीं आ रहा हूँ। हालांकि मिलने जुलने का सिलसिला तो बहुत पहले से था, आवाम जुड़ रही थी, लेकिन अब इन लोगों का ही शौक था कि हम लोग भी बाहर आए, थोड़ा बहुत बाकियों से भी तारुफ यहाँ पे हो जाए। तो उसी सिलसिले से हम लोग बाहर आए हैं और हर जगह ब्लॉक वाइज हम लोग इस टाइम पे अपने कन्वेंशन कर रहे हैं। मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने आपसे स्टेज पे भी बोला, मैं इस इलाके में बड़ा हुआ हूँ, इन लोगों के साथ क्रिकेट खेला है, मैंने आपसे पहले भी बोला, बहुत सारी आवाम गांधरबल की, इससे पहले जब मैं स्कूल वगैरह 11th 12th में था, आधे ऐसे भी लोग थे जिनको ये पता था कि शायद मैं गुरीलबाग का ही हूँ, शायद मैं भी पठान ही हूँ। तो आपको उस चीज़ से अंदाज़ा आना चाहिए कि मेरी कितनी वाकफियत और मेरा जो कि अपना एक दिल है कितना लगा है इस इलाके के साथ।